hello children hope you are all doing good let's start today's chapter respect all work people do different jobs to earn their living we all need the services of many people for our daily chores these services are called essential services we need these services to lead a happy and comfortable life different people do different works this is called division of labor here are a few of them Ab deke, डिफरेंट तरह का जॉब करते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए हमें इनकी जरूरत भी पड़ती है अपने डेली के जो काम है उनको करने के लिए तो इन सर्विसेज को कहा जाता है असेंशियल सर्विसेज हमें इन सर्विसेज की जरूरत होती है अपने आप को अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए तो देखिए बहुत सारे लोग जो है अलग अलग तरह का काम करते हैं इसे कहते हैं डिविजन ऑफ लेबर जैसे कि देखिए ये सारे हमारे डेली लाइफ में कुछ ना कुछ ये हमारी हेल्प करते हैं डिपेंडेंस ऑन असेंशियल सर्विसेज़ None of us can do all the work by ourselves. Different people do different kinds of work. This is called division of labor For example, a sweeper cleans the toilet in our homes. He helps us by providing his service to us. देखिए, हम सारी काम अपने आप से नहीं कर सकते। तो different लोग different तरह का work करते हैं, जैसे कहते हैं division of labour। जैसे कम sweeper की बात करें, तो बारे homes में toilet clean करता है। तो ऐसा करके वो हमें एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वी शुड नेवर लुक डाउन अदर्स वर्क बिकॉज वी डिपेंड ऑन देम फॉर द यूजफुल देखिए ऐसे लोगों को हमें कम नहीं समझना चाहिए क्योंकि वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं डिग्निटी ऑफ must वी मस्ट रिस्पेक्ट एवरी वर्क एंड द पर्सन it. इज कॉल्ड डिग्निटी ऑफ of इट It वेरी वेल सेड said नेपोलियन Napoleon नो मैटर इन सिग्निफिकेंट वर्क वन इज doing, द फैक्ट दैट ही इज वर्किंग Makes him her important. Mahatma Gandhi was an extraordinary person. He was an undisputed leader of the Indian freedom movement, but more than that, he was a person who practiced what he preached. His actions at every step endorsed his belief in non violence, dignity of labor, and respect for fellow humans. डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब है कि हमें हर तरह के वर्क को रिस्पेक्ट करना है चाहे कोई भी वो काम करता हो नेपोलियन बोनापार्ट ने भी बहुत अच्छी बात कही कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना भी इनसिग्निफिकेंट अनइम्पॉर्टेंट वर्क हो बट फैक्ट ये है कि वो काम कर रहे हैं तो इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है महात्मा गांधी ने भी जो है ये आपका जो डिग्निटी ऑफ लेबर है उनके ऊपर काफी अच्छी उन्होंने भी बातें कही हैं और खुद वो इस चीज़ को भी फॉलो करते थे गांधी जी रिकॉर्डेड ऑल द वर्क इक्वली इंपॉर्टेंट ही डिड नॉट फील श्राई टू डू एनी वर्क ही यूज टू स्पिन कॉटन फॉर इज ओन क्लूड्स ही ऑल्सो क्लीन टॉयलेट्स बिकॉज ही टू चेंज द द एटीट्यूड ऑफ पीपल टूवर्ड्स डर्टी वर्क ही रीनेम्ड द अनटचेबल्स एज हरीजन्स मीनिंग चिल्ड्रेन ऑफ गॉड गांधी जी ने भी उनकी नज़रों में सारे काम इक्वल थे और वो कोई भी काम करने से शर्माते नहीं थे जैसे कि अपने लिए खुद का कपड़ा बनाने के लिए वो कॉटन खुद से स्पिन करते थे आप टॉयलेट क्लीन करते थे क्योंकि वो लोगों का एटीट्यूड चेंज करना चाहते थे क्योंकि लोग ऐसे लोगों को डर्टी उसको डर्टी uh, वर्क ऐसे काम को मानते थे और उन्होंने अनटच एवर्स जिन्हें टच नहीं किया जा सकता था लोग नहीं करते थे उन्हें उनका नाम दिया हरिजन यानी कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड

जो काम है उनको इक्वली समझेंगे एंड लोगों का रिस्पेक्ट करेंगे एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे